मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ से सीधा अंदर को मंदिर के, और ये लोकेशन काफी ज्यादा सुंदर है। हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं हूँ चंपावत में, और अभी हम लोग जा रहे हैं बालेश्वर मंदिर जो कि मेन बाजार में है। और इस सफर में मेरे साथ संजय है जो कि आपको पीछे दिख रहे होंगे, अभी चमक रहे हैं। तो सीधा चलते हैं मंदिर और दिखाते हैं आपको। और ये है बालेश्वर मंदिर का नौला जो कि अभी बंद है, लेकिन यहाँ से लोग पानी भरते हैं। और मंदिर ये, तो सीधा चलते हैं। और हम लोग पहुँच गए मंदिर में, और यहाँ पे उतारेंगे जूते और करेंगे दर्शन। तो अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर। मुख्य मंदिर है ये दोनों, महादेव जी के, और ये पूरे एरिया। आदिदेव शंकरा, हे शिवाय शंकरा, तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा, चले ये सांस किस तरह, हे शिवाय शंकरा, मेरा कर्म तो ही जाने क्या बुरा है क्या भला। तो हम लोगों ने कर लिया मंदिर के दर्शन, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरी मंदिर कैसा है। तो ऊपर से आ गए, तो मैं आपको दोनों साइड दिखा दूंगा मंदिर कैसा है। और संजय गोस्वामी जी हमारे साथ। और ये मंदिर भी काफी प्राचीन और काफी सुंदर है, और यहाँ की जो मूर्तियां हैं काफी ज्यादा पुरानी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ और इसी के साइड जाएंगे तो ये भी महादेव जी का है। आप देख सकते हैं काफी पुरानी मूर्ति है यहाँ पे। जितनी भी मूर्तियां देख रहे हैं काफी ज्यादा पुरानी है, और ये चंपावत का काफी प्रसिद्ध मंदिर है बालेश्वर मंदिर, जो कि रोड के जस्ट ऊपर ही है। और लोकेशन तो काफी ज्यादा प्यारी है। सीपियों की ओट में भोलेनाथ शंकरा, मोतियां हो जिस तरह, हे शिवाय शंकरा, मेरे मन में शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, तू बसा है उस तरह, हे शिवाय शंकरा। तो आप लोग देख सकते हैं ये सब प्राचीन मूर्ति जो कि बालेश्वर मंदिर में है, और आपको चारों ओर ऐसी मूर्तियां दिखेंगी पुराने जमाने की। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या, जो भी है सभी तेरा, तेरे सामने है झुका। तो हम लोग ने कर लिए बालेश्वर मंदिर के दर्शन, तो अभी हम लोग जा रहे हैं सामने हनुमान मंदिर जो कि ये है, तो वहीं आपको दिखाते हैं। जय बजरंगबली। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या, जो भी है सभी तेरा, तेरे साथ। तो हमने कर लिया हनुमान जी के भी दर्शन, तो अब चलते हैं सीधे यहाँ से हिंगला देवी को, जो कि लगभग यहाँ से 8 किलोमीटर है। ओम नमः शिवाय।
और आप लोग देख सकते हैं अब माल्टा ऑफ सीजन में भी आपको दिख रहा है। तो अब चलते हैं यहाँ से सीधा बाहर को, और काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पे समय भी, और इन्होंने हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करी वीडियो बनाने में। तो चलते हैं सीधा बाहर को। ये वही घर है जहाँ पे हम लोग बचपन में रहते थे, जो कि मंदिर के जस्ट सामने था, और उस टाइम हम चंपावत में नए नए आए थे। तो चलते ऊपर को। फाइनली हम लोग पहुंच गए मंदिर, और वैसे हुआ हमारा पैदल मार्ग स्टार्ट, और मेरे साथ अभी संजू और सोनू, यहाँ से चलते हम लोग सीधा ऊपर को। जय हिंगला देवी। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हिंगला देवी मंदिर, और लगभग रोड से आपका होगा 100 मीटर चलना, और मंदिर काफ़ी सुंदर है जो कि पीछे है। मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ से सीधा अंदर को मंदिर के, और ये लोकेशन काफ़ी ज़्यादा सुंदर है माता की। तो हम चले अंदर को। जय माता, जय हिंगला देवी माता, जय हिंगला देवी माता। तो अभी हम लोग हैं हिंगला देवी मंदिर के मुख्य मंदिर में, जो कि आप लोग देख सकते हैं पीछे माता की चुनरी, और ये मंदिर भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और आप लोग जब भी चंपावत आते हैं तो इस जगह में विजिट कर सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। हेलो, तू काटेगा और इंजेक्शन लगेगा मुझे। चुप, नहीं छोड़ साले छोड़। अंदर को जंगल में बाबा जी का हुआ है काफी, यहाँ पे काफी पूजा काफी पाठ होते हैं, आप देख सकते हैं। बचपन के कुछ पुरानी यादा ताजा करते, कहीं झूला मेरा वजन सह पाया तो। और ये मंदिर के पीछे वाली साइड है, ये आपका काली माँ का मंदिर है, और ये पूरा मंदिर, ये बाबा जी जहाँ बैठते, और हिंगला देवी मंदिर ये, और झूला। तो हम चलते हैं सीधे यहाँ से बाहर को। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, लगभग हम लोगों ने यहाँ पे आधा घंटा बैठ गए, और काफ़ी बढ़िया जगह है। तो आप लोग भी आइए, और मुझे एक दूसरे के बुरासे फूल भी दिख रहे थे जिसका जूस पीते, तो अगर हो सके तो मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। तो चलते बाय कालू भाई, तुमने काटा तो सही भाई। आपको बोल रहा था कि मैं आपको बुरासे फूल दिखाऊँगा, तो वो फूल आपके सामने पेड़ में, इस फूल का आपका जूस बनता है, और पहाड़ में आपको काफ़ी दिखते होंगे, तो मैं जाके देखता हूँ। तो क्या लग रहा है, जा पाएगा? वाह, ये ट्रेवल विद बॉबी की जगह क्लाइंब विद बॉबी हो गया है। बंदर की तरह चल दे रहा है भाई। में होगी बवाल थोड़ी शायद, थोड़ी हालत खराब है। नहीं नहीं, वैसी टहनियों मत देना, कच्ची टहनी होती है इसकी, बहुत पतली टहनियों मत जाना, कोई कमर में कोई कंधे में। काफी सिंपल रहता है, लेकिन उतरना उसी का 3 गुना हार्ड होता है। आवाज तो बंदर वाली कर ले रहा है एकदम, गिरना
आई ना है रे, आई रे रो सुरक्षित काले मेरे बाल। अबे बुराश ने किया कमाल, सफेद काला हो गया भाभी। रास्ते में यहाँ पे आपको मिलेंगे बुरास के जूस, नारंगी और आमले का जूस, वो भी 10 या 15 रुपये गिलास। तो अभी हम लोग पीते हैं, देख सकते हैं जारों में होता है जूस, और इसमें अभी संतरे का जूस है जो कि भी हम लोग पियेंगे, जो कि 15 रुपये गिलास है। तो पीते हैं जूस के अलावा और तो यहाँ क्या बनता है, जूस नेचुरल जूस। तो अभी पहुँचे हैं सर्किट हाउस में, तो आपको मैं दिखाता हूँ। हम लोग है सर्किट हाउस में, जहाँ से चंपावत का व्यू ना इतना अल्टीमेट दिखता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारी बाइक है और ये आपका चंपावत, देवभू की चंपावत में सुंदर सी जगह। इसी के साथ मैं करता हूँ अपना वीडियो एंड, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग ट्रैवल विद बॉबी।